हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नाइनटीन फोर क्लास सेवेंथ इंग्लिश की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए सेकेंड दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए शेड्यूल की गई है आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है बेटा वो हमारी पॉइम है वो क्या है ट्रीज लास्ट वर्कशीट में भी हम ट्रीज के बारे में पढ़ा था उसी को जो है आगे हम अब कुछ फिलप्स गिवन है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस जो है रिलीजन है ये एक तरह की आपकी जिसमें आपको जो है फिलप्स की प्रैक्टिस करनी है ओके okay? सो so, हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ट्रीज आर फॉर द बर्ड्स तो ट्रीज किसके लिए है ट्रीज बर्ड्स के लिए हैं ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन ट्रीज चिल्ड्रंस के लिए भी हैं ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन तो जो ट्रीज हैं उनके अंदर जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं उनके अंदर हाउस बनाते हैं वो उनके लिए शेल्टर है ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन ट्रीज पे बच्चे जो है झूला झूलते हैं देस आर फॉर द वि टू ग्लो थ्रू ट्रीज से हवाएं चलती हैं ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सी ट्रीज से बेटा जो बच्चे हैं वो क्या खेलते हैं ट्रीज के साथ वो हाइड एंड सिक जो छुपम छुपाई का खेल है वो खेलते हैं क्या हो जाती है वो जो है फंस जाती है ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर और गर्मियों में ट्रीज से हमें क्या मिलती है कूल cool शेड मिलती है छाया मिलती है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर ओके एंड ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पीयर्स ट्रीज से हमें फ्रूट्स मिलते हैं ट्रीज आर टू चॉप टाउन एंड कॉल टिम्बर जब ट्रीज़ कट जाती हैं तो उनकी जो ये जो हमारे पास उनकी स्टेम होती है उससे हम क्या है उससे हम जो है लकड़ी हमें मिलती है वुड मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं टिम्बर कहते हैं ट्रीज मेक मदर से वॉट ए लवली पिक्चर टू पेंट और जो है मम्मी क्या कहती है कि कितनी सुंदर जब हम इसकी पेंटिंग करते हैं तो मम्मी कहती कितनी सुंदर ये पिक्चर है ट्रीज में एक फादर से जब ट्रीज की लीव्स हैं वो गिर जाती हैं फिर उसको जब हम कलेक्ट करते हैं रेक में तो फिर फादर जो है वो क्या कहते हैं कि कितनी सारी लीव्स हैं रेक में कलेक्ट करने के लिए तो बेटा ये वर्कशीट हमने लास्ट में जो पॉइंट है उसको हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में भी हमने ये पढ़ी अब हम इसके करेंगे फिलअप्स रीड द पॉइम एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड बॉक्स तो आपको बेटा ये वर्ड बॉक्स है और ये फिलअप्स आपको यहाँ पर करने हैं सो फर्स्ट क्या है डैश मेक नेस्ट इन द ट्रीज तो बेटा कौन जो है नेस्ट जो है प्रिपेयर करता है नेस्ट बनाता है इन द ट्रीज तो बर्ड्स ठीक है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फर्स्ट में आप लिखेंगे बर्ड्स साथ साथ लिख लीजिए बेटा कॉपी में बर्ड्स सेकेंड देखिए डैश प्ले नियर ट्रीज तो यहाँ पर हम नंबर वन जो है फिल करेंगे तो बर्ड्स जो है वो क्या है नंबर वन है ठीक है नेक्स्ट देखिए डैश प्ले नियर ट्रीज ट्रीज के नियर जो है कौन खेलता है बेटा तो यहाँ पर चिल्ड्रन तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे नंबर टू चिल्ड्रन ओके यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आप साथ, साथ जो है इसको करेंगे बेटा चिल्ड्रन ओके नंबर टू We play dash behind trees. तो so, हम क्या खेलते हैं behind trees? जो में पेड़ों के पीछे जो है क्या खेलते हैं हाइड एंड seek. तो so, हम यहाँ पर थ्री करेंगे हाइड एंड seek. ओके हाइड एंड seek खेलते हैं नेक्स्ट देखिए पीपल टाइम हैव डैश पार्टीज अंडर ट्री तो पीपल जो है ट्रीज uh, के नीचे क्या करते हैं टी पार्टीज करते हैं सो नंबर फोर टी पार्टीज नेक्स्ट देखिए ट्रीज गिव्स अस डैश ड्यूरिंग समर तो ट्री जो है समर टाइम में हमें क्या देते हैं ट्रीज गिव्स अस शेड ठीक है तो नंबर फाइव यहां पर हम करेंगे नंबर फाइव शेड ओके नेक्स्ट देखिए नंबर सिक्स मैनी फ्रूट्स लाइक मैनी फ्रूट्स लाइक डैश एंड डैश ग्राउन ट्रीज सो मैनी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड पियर्स बेटा यहाँ पे एप्पल्स के लिए हम करेंगे नंबर सिक्स एंड पीयर्स के लिए नंबर सेवन तो सिक्स जो है किसके लिए है एप्पल्स के लिए सिक्स जो है एप्पल फिल करेंगे आप एंड सेवन पे करेंगे पीयर्स ओके सेवन पे क्या करेंगे बेटा पीयर्स करेंगे नेक्स्ट तो ये जो है आपके हो गए सो so यहाँ पर आप इनको फिल कर लेंगे साथ साथ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम करेंगे लेट्स राइट ए पैराग्राफ ऑन वैल्यूज ऑफ ट्रीज बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स गिवन बिलो तो बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ड बॉक्स और जो ये यह आपको यहाँ पर दिए गए हैं एक आपको ये पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ से आपको हेल्प लेकर इसको कंप्लीट करना है ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट तो बेटा इंपॉर्टेंट फिल करेंगे नंबर वन ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे गिव अस तो क्या मिलता है हमें दे गिव अस डैश फॉर लिविंग जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन ओके दे गिव अस डैश एंड डैश तो बेटा okay? तो जो ट्रीज हैं वो हमें क्या देते हैं ट्रीज से हमें क्या मिलता है फ्रूट्स एंड मेडिसन तो यहाँ पे दे अस नंबर थ्री फ्रूट्स नंबर फोर मेडिसन्स दे हेल्प इन रिड्यूसिंग डैश तो वो क्या रिड्यूस करते हैं प्लांट्स प्लांट्स से ऑक्सीजन मिलती है इससे क्या रिड्यूस होता है क्या रिड्यूस का मतलब होता है कम होना क्या कम होता है पॉल्यूशन कम होता है सो नंबर फिफ्थ करेंगे पॉल्यूशन दे सर्व एज डैश फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स सो बर्ड्स और एनिमल्स के लिए क्या है वो उनके लिए होम होता है म so, तो so, यहाँ पे नंबर सिक्स पे जो है होम फिल करेंगे दे सर्व एज होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स should plant dash trees for a better environment तो so, हमें एक अच्छे environment के लिए क्या करना चाहिए plants को grow करना चाहिए so we should plant more trees तो so, यहाँ पे बेटा सेवन number fill करेंगे सेवन पे more fill करेंगे ओके वी शुड प्लांट मोर ट्रीज फॉर अ बेटर एनवायरमेंट तो ये आपका हो गया कम्प्लीट पैराग्राफ जिसको आपको कॉपी में लिखना है चलिए अब सी पार्ट करते हैं बहुत ईजी है ये राइट द एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स किसको कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑपोजिट होता है ऑफ द फोलोइंग वर्ड यूजिंग द हेल्पबॉक्स तो ये हेल्पबॉक्स कीवन है यहाँ से आपको फिल करना है सो so, यहाँ पर देखिए समर समर का ऑपोजिट क्या होगा समर का ऑपोजिट यहाँ पर होगा विंटर ठीक है समर का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों समर का ऑपोजिट होगा विंटर तो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे साथ साथ बेटा समर यहाँ पे मैं यहाँ पर नंबर वन फिल कर रही हूँ विंटर लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल लिखा हुआ वो भी प्रोवाइड करा दूंगी विंटर नेक्स्ट देखिए डाउन डाउन मीन्स होता है नीचे डाउन का ऑपोजिट क्या होगा आप ओके शेड 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 का ऑपोजिट क्या होगा सनी ठीक है यहाँ पर शेड के सामने मैं नंबर थ्री फिल कर रही हूँ तो शेड का होगा सनी नेक्स्ट देखिए कूल कूल का मतलब क्या है ठंडा और कूल cool का ऑपोजिट क्या होगा नंबर फोर हॉट ओके नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा नंबर फाइव वीक नेक्स्ट देखिए टॉल टॉल मीन्स लंबा एंड टॉल का ऑपोजिट क्या होगा नंबर सिक्स यहाँ पर शॉर्ट टॉल मीन्स टॉल का ऑपोजिट क्या होगा शॉर्ट इन मतलब अंदर एंड ऑपोजिट क्या होगा आउट नंबर सेवन आउट नेक्स्ट देखिए गुड गुड का ऑपोजिट क्या होगा बेटा यहाँ पे गुड का ऑपोजिट होगा बैड ठीक है अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आप मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ आप लिख लीजिए सो so बेटा ये जो है आप यहाँ से अब आप यहाँ से एग्जैक्ट इनको जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे